हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भंडारी जी। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी फर्स्ट बाइक पैकिंग कैसे कर सकते हैं और आपको क्या क्या कैरी करना चाहिए अपनी फर्स्ट बाइक टूर के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कि बाइक टूरिंग के लिए आपको कोई महंगी बाइक की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज़ अ बाइक विच इज़ इन गुड कंडीशन। जो मेरी बाइक है वो भी इतनी महंगी नहीं है, वो भी एक एंट्री लेवल बाइक है और इस पर मैं काफ़ी टूर कर चुका हूँ, बद्री केदार चक्राता एंड ऑल। जो आने वाले कुछ और टूर होंगे मेरे वो भी इसी साइकिल में होंगे। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि सामान कैरी करने के लिए आपको अपनी बाइक में क्या इंस्टॉल करना है। सो सबसे पहले मैं आपको अपनी साइकिल की कुछ स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। तो ये साइकिल है हीरो ऑक्टेन स्प्रिंगबॉक एंड जो उसके टायर हैं वो है 26 इंचेस के, जो कि मेरे हाइट के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। 3x7 का गियर सेट है। इसका फ्रंट एंड रियर डिरेलियर दोनों शिमानो टूरनी के हैं। ये बेसिकली एंट्री लेवल बाइक है जो मेनली टूरिंग के लिए नहीं बनी है। इसके कुछ स्पोक्स वगैरह भी टूट चुके हैं काफ़ी, मतलब इस पर मैंने काफ़ी खर्चा कर दिया है वैसे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सामान कैरी करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी साइकिल में क्या इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है कैरियर। ये कैरियर मैंने लिया था 150 का। तो आप लोग मोस्टली वीडियोस देखते होंगे बाइक पैकिंग की जिसमें लोगों ने पैनियर बैग लगाया रहता है, पैनियर रैक लगाया रहता है, तो वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। तो अगर आपको अपनी फर्स्ट बाइक पैकिंग टूर करनी है तो उसके लिए आपको इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने लोकल शॉप में जाइए साइकिल की, उनको पूछिए कैरियर के लिए, तो वो आपको ये कैरियर दे देंगे। 150 से 200 रुपये का आता है कैरियर। सो जिनसे आप ये कैरियर लेंगे वही अपने अकॉर्डिंग इसको इंस्टॉल करके आपको दे देंगे। ये भले ही सस्ता है पर ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने अभी तक जितने भी साइकिल टूरिंग की मैंने इसी कैरियर में की और बहुत सारा वेट मैंने कैरी किया और आज तक कुछ कैरियर को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल भी बेंड नहीं हुआ है। सो आप इसमें भरोसा कर सकते हो। तो चलो ये तो हो गया कि आपको क्या इंस्टॉल करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या कैरी करना है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और पहली चीज़ है वो है टेंट। आप साइकिल टूरिंग कर रहे हो तो आपको पता नहीं होता है कि आपकी पहले दिन की डेस्टिनेशन क्या होगी, और अगर आप डिसाइड भी कर ले तो ज़रूरी नहीं है कि आज आप वहाँ तक पहुँच पाओगे कि नहीं पहुँच पाओगे। अगर आप उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाओ और आपको बीच में कहीं रुकना हो तो आप कहीं पे भी टेंट लगा के सो सकते हो। ये है 2% टेंट केशवा का, जो हमने डिकैथलॉन से लिया था और ये 2000 का आ जाता है। ये बहुत ही अच्छा टेंट है, वेदर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, आज तक हमें कोई दिक्कत नहीं है इस टेंट में। जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है वो है स्लीपिंग मैट। टेंट होता है उसके अंदर सोने के लिए आपको ये मैट चाहिए होते हैं। बेसिकली आपको मार्केट में 200 से 250 के मिल जाएंगे। ये अलग अलग थिकनेस के आते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन में आपको बार्गेनिंग भी जाएगी और ऑनलाइन में थोड़ा एक्सपेंसिव मिलता है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी स्लीपिंग बैग। ये ज़रूरी होता है बाइक पैकिंग टूर में ले जाना, क्योंकि रात को आप अगर आप कैंपिंग करते हो तो उसके अंदर आपको सोने के लिए कुछ कंफर्ट चाहिए होता है और स्लीपिंग बैग से अच्छा कंफर्ट आपको कोई और दे नहीं सकता है। अगली चीज़ है जो आपको कैरी करनी है वो है ये बड़ी बड़ी प्लास्टिक्स। ये मैं बेसिकली इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ठंडियों में अगर आप कैंपिंग करते हो रात को ओस पड़ती है, ताकि आपका मोस्टली सामान रहता है वो टेंट के बाहर होता है तो वो रात को गीला हो सकता है, तो उसको कवर करने के लिए ये मैं प्लास्टिक यूज़ करता हूँ। ना अगली बात आती है सेफ्टी। तो सेफ्टी के लिए आपको सबसे पहले यूज ले जाना है एक शार्प नाइफ। ये इसका कवर नहीं है, ये मैंने खुद से बनाया कवर ताकि ये मेरे हाथ में गलती से चाकू से मेरा हाथ कट ना जाए। नेक्स्ट चीज़ है फर्स्ट एड। तो ये मेरा घर में एक बॉक्स पड़ा था तो इसमें मेरे बैंडेड, कुछ पट्टियाँ वगैरह हैं, कुछ बेटाडीन सिप्लाडीन है, तो ये मैं कैरी करता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके साइकिल टूरिंग में। और जो नेक्स्ट बॉक्स है इसमें मेरा चार्जर और पावर बैंक है। पावर बैंक बहुत ज़रूरी होता है बाइक टूरिंग में, क्योंकि अगर आप कैंपिंग करते हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स नहीं होता है, तो अगर आपका फ़ोन ऑफ हो जाए तो दिक्कत आ सकती है, तो पावर बैंक ले जाना बहुत ज़रूरी है। सो हमारी नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट थिंग है पंचर किट। पंचर किट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइकिल मैकेनिक आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, पंचर कभी भी हो सकता है एंड बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं साइकिल पंचर होने के। तो जो ये पंचर किट है दैट इज़ इसमें जो ग्लू आता है और इसको निकालने के लिए दो क्लिप्स आते हैं, ये आपको 60 से 65 रुपये में मार्केट में मिल जाएगा। ये जो पंप है ये फायरफॉक्स का पोर्टेबल पंप है, ये हमने मार्केट से लिया था 400 रुपीज़ का। तो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये एक्स्ट्रा ट्यूब। वैसे मुझे आज तक इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं है बट गर्मियों में क्या होता है कि आपके टायर फटने के 50-50 चांसेस होते हैं, तो उस टाइम पंचर किट बिल्कुल काम नहीं आती, तो उस टाइम आपको पूरी ट्यूब बदलनी पड़ती है। सो आई थिंक इसको कैरी करना बेटर रहेगा अपनी फर्स्ट बाइक पैकिंग टूर में, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उसकी पहली बाइक पैकिंग टूर ख़राब हो। तो साइकिलिंग करते हुए हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए ज़रूरी होते हैं पानी, और पानी के लिए ज़रूरी होते हैं वाटर बॉटल्स। बेसिकली हम लोग साइकिलिंग के टाइम एक ही वाटर बॉटल यूज़ करते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि साइकिल टूरिंग के वक्त आप 2 से 3 वाटर बॉटल अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि आप लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि एक पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच में आपको पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपको जहाँ पानी मिलता है आप वहाँ अपनी सारी की सारी बॉटल भर दीजिए, ताकि आपको लंबे सफ़र तक काम आ सके। नेक्स्ट जो आता है वो हमारा कुकिंग स्टफ। कुकिंग स्टफ के लिए हम बस कुछ नहीं लेके जाते, एक पैन लेके जाते अपने साथ। एक पैन हमने 150 रुपये का लिया था अपनी लाखा मंडल वाली ट्रिप में,
एंड साथ में खाने के लिए हम लेके जाते हैं एक कप, तो इसी में हम अपना कुछ भी अगर हम चाय बना के पीते हैं तो चाय इसमें पी लेते हैं, और अपना जो भी हम खाना खाते हैं वो भी हम इसी कप में खा लेते हैं। बात बता दूँ कि जब भी आप बाइक टूरिंग करो तो एक खाने बनाने के लिए बर्तन और अपने साथ माचिस या फिर लाइटर आप ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में आपको भूख लगेगी तो आपको रास्ते में खाना बनाने की नौबत आ जाएगी, तो उस टाइम अगर आपके पास ये सामान ना हो तो आपको दिक्कत आ सकती है। मैं अपने साथ एक सेलो टेप हमेशा कैरी करता हूँ, क्योंकि बहुत जगह ऐसी आती है जहाँ पे आपको जल्दी जल्दी में कोई चीज़ें बांधनी होती है या फिर चिपकानी होती है, तो ये सेलो टेप काम आता है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं लेके जाता हूँ और आपको ले जाना चाहिए वो है कैप या फिर हैट, क्योंकि धूप आपको पूरा जला सकती है और जितनी धूप आपके चेहरे में पड़ेगी उतनी आपकी एनर्जी खत्म होगी और आप साइकिल नहीं चला पाओगे, तो ये ज़रूर लेके जाएं दोनों में से कोई भी एक, या दोनों लेके जा सकते हो, मैं तो दोनों लेके जाता हूँ। नेक्स्ट थिंग जो आपको मैं सजेस्ट करूँगा वो है ये एलन की सेट। ये एलन की सेट आपको मार्केट में मिल जाएगा 100 से 150 रुपए का, तो ये ले आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग mm की अलग अलग एलन की होती है जिसको आप अपने साइकिल के अलग अलग नेट को खोलने या फिर टाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये एक मैं अपने साथ बेस बैग हमेशा कैरी करता हूँ, जिसमें मैं अपने ID प्रूफ, अपना वॉलेट, अपना कैश वगैरह या फिर अपनी पेन ड्राइव वगैरह कैरी करता हूँ। एंड रास्ते में कभी मैं चॉकलेट्स या फिर टॉफ़ी वगैरह लेता हूँ तो मैं इसी में डाल देता हूँ, ताकि बार बार अपने जेब से निकाल के इनको खाता रहूँ। ये कुछ प्लास्टिक की शीट्स हैं जो कि ये मैट्रेस ली थी उसकी शीट है, ये मैं इसलिए कैरी करता हूँ क्योंकि जो टेंट होता है उसके नीचे से लगाने के ये काम आता है। जब ज़मीन गीली होती है तो उसका क्या होता है कि टेंट के नीचे से आपका सारा पानी ऊपर आ सकता है और आपकी बॉडी गीली हो सकती है, इसके लिए पहले नीचे से एक प्लास्टिक की शीट बिछानी पड़ती है, फिर उसके ऊपर टेंट लगाओ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो नेक्स्ट थिंग जो मैं कैरी करता हूँ वो है पेन रिलीफ स्प्रे, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, कहीं अचानक से आपके पाँव में मोच आ जाए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो ये फटाफट वहाँ पे स्प्रे कर दो। अब बात आती है कि लॉन्ग राइड को स्मूथली कैसे करें, क्योंकि लॉन्ग राइड्स में क्या होता है कि जो साइकिल की सीट होती है ये हमें बहुत दर्द देती है, क्योंकि आपके जो बट हैं उनमें बहुत पेन हो सकता है। सो उसके लिए आप ये पैडेड शॉर्ट्स खरीद सकते हैं, ये आपको मार्केट में 800 से 900 रुपए का मिल जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि इसके नीचे पूरी जेल की पैडिंग होती है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। आपका बजट थोड़ा कम है तो आप ये फोम के कवर ले सकते हो जो ये गद्दी में लग जाते हैं, ये 150 से 200 रुपए के आते हैं। मेरा वाला थोड़ा फट चुका है इसलिए मैं इसका यूज़ नहीं करता। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है विंड चीटर, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, दो चीज़ का काम करते हैं, एक तो हमें बारिश से बचाते हैं और दूसरा ये हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं पीछे से आने वाली गाड़ी या फिर आगे से आने वाली गाड़ियों से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं तो गाड़ी वाले को पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे कोई साइकिलिस्ट जा रहा है तो हमें अपनी गाड़ी स्लो कर देनी चाहिए। मेरे पास तो दो हैं, नियॉन ऑरेंज और नियॉन ग्रीन, वैसे तो मैं दोनों ही लेके जाता हूँ, एक दिन कुछ पहनता हूँ एक दिन दूसरा पहनता हूँ, तो आप ये ले सकते हो। आपको ये डिकैथलॉन में ये वाला मैंने ख़रीदा था 700 का, ये तो नॉर्मल लोकल है, और ये वाला है 800 रुपये का जो मैंने डिकैथलॉन से खरीदा था, ये बिटवीन का है। तो मटेरियल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और नेक्स्ट और लास्ट थिंग जो आपको लेके जानी है वो है साइकिल का लॉक। ये लॉक अगर आपको साइकिल के साथ फ्री मिले तो ठीक, नहीं है तो मार्केट में आपको 300 से 400 रुपए का मिल जाएगा। ये काफ़ी इसका मटेरियल और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो ये इजीली नहीं टूट सकता। तो ये था साइकिल में आपको क्या क्या कैरी करना है। अब हम आते हैं कि आपको साइकिल में इन सब सामान को कैसे पैक करना है, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अपना छोटा मोटा सामान है जो आपका फर्स्ट एड है, आपका चार्जर, आपका पावर बैंक एंड आपके कपड़े, आपका विंड चीटर, वो सारा का सारा सामान अपने एक बैकपैक में डाल दीजिए। सो मैं अपना सारा छोटा मोटा सामान मैंने अपने इस बैग में डाल दिया है। सो मैं अपने साथ एक ये छोटा बैग कैरी करता हूँ, ये 10 लीटर का केशवा का बैग है जो मैंने डेकैथलॉन से 300 रुपीस का लिया था। इसमें मैं अपने पंचर किट रखता हूँ, क्योंकि रास्ते में अगर आपके साइकिल पंचर हो जाए तो आपको तुरंत वहाँ पे अपनी किट निकालनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको अपनी पूरी पैकिंग खोलने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इसको अपने पीठ में हमेशा कैरी करता हूँ। तो सबसे पहले तो सामान बांधने के लिए आपको चाहिए होती है रोप, इन्हें कहते हैं बंजी रोप। ये दो साइज़ में मार्केट में अवेलेबल होती है, एक बड़े साइज़ में और एक छोटे साइज़ में, और ये बड़े साइज़ वाली आपको 60 से 70 रुपये मिल जाएगी और ये छोटे वाली आपको 30 से 40 रुपये मिल जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल होती है और ये बहुत इसका जो मटेरियल होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ये इजीली नहीं टूटता है। इनफैक्ट आज तक मैंने जितने भी बाइक टूरिंग की है उनमें यही दो बंजी रोप मैंने यूज़ किया और ये आज तक नहीं टूटी, हल्का सा भी इन पर कोई भी बीच में डिफेक्ट नहीं आया। तो चलिए सबसे पहले हम बांधते हैं अपने स्लीपिंग बैग को। तो मेरा स्लीपिंग बैग थोड़ा हैवी और बड़ा है तो मैं इसको साइकिल में आगे बांधता हूँ, तो जिन लोगों के थोड़े महंगे वाले स्लीपिंग बैग है तो वो छोटे होते हैं तो वो इजीली आपके बैकपैक में आ जाएंगे, बट आपका ऐसे ही अगर मेरे ऐसा बड़ा है तो मैं आपको बताता हूँ इसको आप कैसे अपनी साइकिल में बांध सकते हो। तो इसको मैं बांधूंगा अपने साइकिल के हैंडल में, इसको लगाना बहुत ईजी है। सबसे पहले आप अपनी बंजी रोप को हैंडल के नीचे से डालिए ऐसे, और एक यू बना दीजिए और यहाँ से बाहर निकल दीजिए, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अपना स्लीपिंग बैग लीजिए, तो इसमें जो स्ट्रैप है इसके अंदर डालिए, दूसरे को भी स्ट्रैप के अंदर डालिए ऐसे, यहाँ नीचे से निकाल के इसको यहाँ ऊपर हैंडल में हुक कर दीजिए, दूसरे वाले को भी पकड़िए और यहाँ हैंडल पे ऐसे हुक कर दीजिए,
तो ये बहुत ही टाइटली यहाँ पे लग चुका है और ये बिल्कुल नहीं हिलेगा। मेरा आज तक कभी इस लेग में मैं ऐसे गिरा नहीं है। इवन आप इसके ऊपर यहाँ पे सामान डाल सकते हो, यहाँ पे इतनी स्पेस बच जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होती है। ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है, ये इसके नीचे से डाला है मैंने इस हैंडल के नीचे से, और ये दोनों होके इसके यहाँ पे लग चुके हैं, बहुत टाइटली लग चुका है। तो ये तो था कि स्लीपिंग बैग आगे कैसे लगाएं। अब जितनी भी बची हुई चीज़ें वो आएगी हमारे पीछे कैरियर में। सबसे पहले अपने मैट को अपने साइकिल के गद्दी और कैरियर के एकदम बीचों बीच डाल लीजिए कुछ ऐसे। देन उसके बाद अपने टेंट को उसके पीछे लगाए कुछ ऐसे। देन इन दोनों के ऊपर आप अपना जो ये बैग है जिसमें आपका सारा सामान है इसको ऐसे रख दीजिए। जो आपके बैग में सामान होगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ऐसा मत करना कि सारा जो आपका हैवी सामान है वो बैग के नीचे की साइड आ जाए। बराबर बराबर ऊपर नीचे दोनों साइड बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि जब साइकिल ख़राब रास्ते में जाती है तो जिस साइड आपका सारा हैवी सामान होगा वो साइड बैग आपका उसी तरफ लटक जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए बैग में। अब बात आती है कि इसको बांधे कैसे। तो ये जितना भी पूरा सामान है पीछे ये सिर्फ एक बंजी कॉर्ड की मदद से पूरा बांधा जा सकता है। उसके लिए आपको ये करना है, सो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ इसको भी आप वैसे करना। सबसे पहले बंजी कॉर्ड को अपने फ्रेम के अंदर डालें। इसको आप जितना खींच सकते खींचिए क्योंकि बहुत स्ट्रेचेबल है। इसको यहाँ से पूरा खींच के ये हुक को कैरियर के नीचे से लेके जाना है और कैरियर में ऐसे लगा देना है। और जो दूसरा हुक है उसको भी जितना खींच सको आप खींचो, जितना वो खींच सके उसको खींचो और ऐसे कैरियर में के नीचे ऐसे हुक कर दो। तो ये हमारा सामान पूरा बन चुका है और ये बिल्कुल नहीं हिलने वाला। दिखने में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी वीक होगा बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये जो हमारा एडिशनल सामान है ये हमारी प्लास्टिक की शीट्स है, इसको आप ऐसे बंजी कॉर्ड को ऊपर खींचिए और उसके पीछे आप ये ऐसे लगा दीजिए। और ये जो हमारी टेंट के नीचे लगने वाली जो प्लास्टिक की शीट है इसको भी मैं पीछे लगा देता हूँ। और जब आप अपना विंड चीटर उतारो तो इसको बैग में मत डालो, इसको आप अपने साइकिल के पीछे लगा दो। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए है क्योंकि पीछे जाने वाली गाड़ियों को इजीली दिख जाएगा कि आगे कोई साइकिलिस्ट जा रहा है। एक बॉटल तो आप अपने नॉर्मली जो आपका बाइक में होल्डर होता है बॉटल होल्डर उसमें डाल दो। जो दूसरी बॉटल है उसको भी आप ऐसे कहीं भी पीछे लगा दो, बंजी कॉर्ड को खींचो बीच में बॉटल डाल दो। एक ऐसे डल गई आपको दो या फिर तीन दो और डालनी तो ऐसे करके आप बंजी कॉर्ड के बीच में ईजिली आप कम से कम आप चार बॉटल कैरी कर सकते हो बाइक पैकिंग में। तो अगर आप चार कर सकते हो तो आप ज़रूर चार कीजिए। सो गाइस हमारी बाइक पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है जैसा आप देख रहे हो, बहुत ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है आगे भी और पीछे भी। तो मैं अपना ट्राईपॉड भी कैरी करता हूँ जिससे अभी मैं अपने वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसको मैं अपने आगे जो ये बंजी है इसको ऐसे खींच के इसके बीच में डाल देता हूँ। और ये मेरा बैकपैक भी मैंने टांग लिया, इसमें मेरा पंचर किट है और बाकी जितना भी सामान है वो इस बैग में डाल दिया। ये मेरा मैट और ये मेरा टेंट। सो इस तरीके से आप अपनी बाइक पैकिंग कर सकते हो। और मैं जो जो सामान मैंने आपको बताया इतना भी अगर आप कैरी करोगे तो आपकी फ़र्स्ट बाइक टूर या फिर आपकी जितनी भी बाइक टूर होगी मोस्टली वो सक्सेसफुली रहेंगी, क्योंकि मैंने जितना भी आपको सामान बताया इसमें आपका फूड आपका अकोमोडेशन एंड आपकी सेफ्टी तीनों इंक्लूडेड है। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने साथ एक बाइक लाइट एंड एक हेलमेट ज़रूर कैरी कीजिए फॉर योर सेफ्टी। जो लाइट है इसका प्राइस 400 से स्टार्ट हो जाता है मार्केट में, तो ये वाली मैंने दिल्ली से ली थी झंडा वाला मार्केट से, तो मुझे यहाँ पे 300 रुपये की मिल गई थी। तो फाइनली ये टूट चुकी है, इसको एक साल हो चुके हैं। तो जो मेरी अगली टूर होगी उसमें मैं नई लाइट ले लूँगा। और ये जो मेरा हेलमेट है ये मैंने 900 रुपये का लिया था क्योंकि मेरा बजट इतना हाई नहीं था। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग हेलमेट ले सकते हो, स्टार्टिंग प्राइस जो होता है हेलमेट का वो 700 रुपये होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। सो गाइस इस वीडियो को मैं यही इन करता हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। सो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी फर्स्ट बाइक पैकिंग टूर को सक्सेसफुली कंप्लीट करना चाहते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल भंडारी जी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन स्टे होम। जैसे कि अभी बाहर हालात बहुत ख़राब है तो उसकी वजह से मैं साइकिल राइड नहीं कर पा रहा हूँ। 15 से 20 दिन से मैं भी घर में बैठा हुआ हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ घर बैठे बैठे साइकिल टूरिंग से रिलेटेड कोई वीडियोस बनाऊँ। तो अगर आपके पास कोई सजेशन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।